हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कश्यप में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का पार्ट 1 अध्याय 4 का, जिसका नाम है समतल में गति। इससे पहला जो चैप्टर था वो था सरल रेखा में गति। क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है सरल रेखा में गति और समतल में गति, पहले तो ये समझ लेते हैं। जो पिछला चैप्टर था सरल रेखा में गति, वो क्या था, एक लाइन के ऊपर गति देखी जाती है। मीन्स अगर कोई वस्तु एक रेखा में चल रही है, केवल एक रेखा में चल रही है, तो उसके अंदर अगर गति देखते हैं तो वो गति कहलाई जाती है हमारी सरल रेखा में गति। जैसे कि अगर हम रेल की पटरी है, रेल की पटरी पर अगर दूरी को काउंट करें तो रेल की पटरी एक छोटी पटरी होती है और उस पर हमारी अगर लंबाई चल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, जब काउंट करेंगे, सपोज यहां पर रेल की पटरी है, ये इस पर एक टायर इस जगह पर था और एक टायर इस जगह था, इनके बीच की अगर स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, इस दौरान जो चर्चा होगी कब जब एक रेखा में होगी, तब वो कहलाई जाएगी सरल रेखा में गति। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर में जो हमें टॉपिक आया है वो है समतल में गति। तो समतल क्या होता है, समतल होता है एक पृष्ठ। समतल क्या होता है, एक पृष्ठ। जैसे लाइक दैट ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड जितना दिखाई दे रहा है ये हमारा एक समतल है। अगर हम कहें कि यहां पर कोई वस्तु रखी है और इस वस्तु पर हमें कोई स्थिति ज्ञात करनी है, तो इस स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर इस जगह से इतनी दूरी पर स्थित है, यहां से इस जगह पर स्थित है, यहां से इस जगह पर स्थित है। मीन्स यहाँ कोई ना कोई एक इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है, या कहें दो अक्षों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक समतल है और समतल के अंदर अक्ष होते हैं। अक्ष क्या होते हैं हमारे, वाई जेड एक्स, एक्स अक्ष, वाई एक्स और जेड एक्स, ये होता है। ठीक है, तब हमें किसी भी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, उसकी गति में स्थिति ज्ञात करने के लिए कम से कम दो अक्षों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सपोज यहां पर कोई वस्तु है तो यहां से हमें इसे दिखाना पड़ेगा, इसकी स्थिति को, कि ये क्या है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाया जाता है, हमारा समतल कहलाया जाता है। आपने देखा भी होगा कि समतल को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल के अंदर, या कोई अगर सवाल कर रहे हैं तो सवाल के अंदर, यहाँ पर एक्स और वाई दो बिंदु लिए जाते हैं, समतल के अंदर लिए जाते हैं दो बिंदु। तो जो दो बिंदु लिए जाते हैं उन दो बिंदुओं से ही पता चलता है उसकी स्थिति के बारे में, एक बिंदु से उसकी स्थिति के बारे में हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर समतल और सरल रेखा में क्या डिफरेंस होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं समतल की। तो समतल में हमें गति के बारे में पढ़ते समय सबसे पहला जो हेडिंग है, जो सबसे पहला टॉपिक आता है, वो आता है अदिश राशियां और सदिश राशियां। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं अदिश राशियां क्या होती हैं, उनको यहां पर हमें बहुत ही डीपली समझना है और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके सुनना है। ठीक है, देख लेते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अदिश राशियां, पहले इसको अगर हम संधि विच्छेद करना चाहें, अदिश, दिश मीन्स होता है दिशा, और अ मीन्स आ शब्द का अर्थ जहां पर भी लिया जाएगा फिजिक्स के अंदर, वहां बिना से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा, बिना से, यानी कि वे भौतिक राशियां जिनके अंदर दिशा नहीं होती, क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाई जाती हैं। सदिश के अंदर होता है सा का मतलब होता है साथ में। ठीक है, जिन भौतिक राशियों में दिशा होती है वो क्या होती है, सदिश होती है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि बताइए ये अदिश राशि है या नहीं है, वेग अदिश है या सदिश है, चाल अदिश है या सदिश है, सब जगह पर लिखा हुआ नहीं मिलता है। इसलिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल्स जो रखे हैं, बहुत सारे रखे हैं, जिससे कि आपको सब याद हो जाए। जैसे कि क्या है, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, शक्ति, आवेश, वैद्युत धारा, विभव, ताप, विशिष्ट ऊष्मा और आवृत्ति, ये सब क्या है, हमारे अदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं।
ठीक है, इस जगह से उम्मीद करता हूं आप यहां से इसे नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद इसे लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। इसे याद करने के बाद आप हमें भी कमेंट में बताएंगे कि आपको ये चीज अच्छी लगी या गलत लगी, कि जो मैंने एक जगह आपको अदिश पूरे के पूरे लिखकर दे दिए हैं, सदिश भी इसी तरीके से मैं आपको पूरे लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो उसके अलावा एक आध रह गया होगा, वो हम देख लेंगे आगे चलकर। देखिए बच्चे, यहां आप बात करते हैं कि अदिश के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है, हमारा जो वर्ड आता है वो आता है परिमाण। क्या आता है? परिमाण। इस परिमाण को समझना है कि परिमाण होता क्या है। देखिए बच्चे, कभी भी किसी चीज का परिमाण निकालने के लिए, परिमाण मतलब होता है उस वस्तु का टोटल, ऐसा ऐसी चीज जिससे कि हमें लास्ट रिजल्ट प्राप्त हो रहा। परिमाण होता है एक, और एक होता है परिणाम, ठीक है। तो परिणाम होता है रिजल्ट, परिमाण होता है उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए जितनी हमें प्रयत्न करने हुए हैं, वो सारा का सारा होता है परिमाण। अब परिमाण जो होता है उसके अंदर दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक होता है आंकिक मान, क्या होता है? आंकिक मान, और दूसरा होता है मात्रक। दूसरा क्या होता है? मात्रक, ठीक है। तो ये दो चीजें मिलकर जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं परिमाण, क्लियर। आंकिक मान सपोज एक, मात्रक मीटर, यानी कि एक मीटर अगर ये चीज लिखी हुई है तो ये क्या है? हमारा परिमाण है। क्या है? ये परिमाण है, क्लियर। आगे बात समझ में। अब रिजल्ट क्या होता है? अगर कहें परिणाम, परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि अगर एक मीटर है उसके साथ एक मीटर और जुड़ा है तो इन दोनों का जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो दो मीटर जो प्राप्त हुआ वो क्या हमारा परिणाम है। इस एक मीटर ने क्या काम किया? एक मीटर हम आगे चले थे, लौट कर फिर वापस आ गए हैं, यहां पर आकर रुके हैं, विस्थापन जो हुआ है तो विस्थापन के अंदर एक मीटर या आधा मीटर यह है, तो इनका परिमाण ये एक मीटर दिखाता है, परिमाण आधा मीटर दिखाता है, और परिणाम जो होगा, परिणाम इनका विस्थापन होगा, कितना होगा? 0.5 मीटर, क्लियर। ये मैं समझता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। तो परिमाण पे और परिणाम पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो परिमाण क्या होता है? आंकिक मान, और किस चीज का रिजल्ट? साथ में मात्रक, इन दोनों का जो साझा होता है वही हमारा क्या होता है? परिमाण होता है, क्लियर। फिर से एक बार देख लेते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है अदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे ये सब है। अब इनमें देख सकते हैं आप, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान को कभी भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। दूरी है, दूरी हम कहीं भी कह सकते हैं, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ये दूरियां हैं। लेकिन हम अगर यहां कहते हैं कि मुरादाबाद से दिल्ली की दूरी, ठीक है, दिल्ली किस चाल से जाएंगे, ठीक है, तो चाल जब आ जाता है शब्द, तो चाल के अंदर हमें दिशा दिखानी पड़ती है कि दिशा हमें इतने किलोमीटर इस दिशा की तरफ जाना है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। समय, समय क्या है? इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं होती। चाल जो है, चाल के अंदर, देखो चाल दो तरीके की होती है, एक होता वेग और एक होता चाल। सॉरी, अभी मैं क्या बोल गया था? चाल बोल गया था, गलती हो गई मुझसे। वेग, वेग जो होता है, वेग के अंदर दिशा की जरूरत होती है, चाल के अंदर दिशा की जरूरत नहीं होती है। हम चाल कह सकते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, किस दिशा में चल रहे हैं पता नहीं है। लेकिन जब हम वेग की बात करते हैं तो वेग हमें पता होता है कि हमारा वेग इस दिशा में है, इस दिशा में हमने इस वेग से फेंकी है, ठीक है। तो दिशा की जरूरत किस में होती है? वेग में होती है, चाल में दिशा की जरूरत नहीं होती है। आयतन के अंदर दिशा की जरूरत नहीं होती, घनत्व में दिशा की जरूरत नहीं होती, दाब में दिशा की जरूरत नहीं होती, ठीक है। देखिए बच्चे, दाब में वैसे देखा जाए तो दाब में दिशा की जरूरत होती है। कैसे होती है? कि दाब हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी दाब ऊपर की तरफ भी लग जाता है। कि अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर 90 डिग्री के एंगल पर लगता है, ये तो हमको डेफिनेट पता है, श्योर है, लेकिन दाब किधर की तरफ लगा रहे हैं ये चीज हमें पूरी तरीके से निर्धारित नहीं होती है। इसलिए यहां पर क्या होता है? ये एक अदिश को शो करता है, ठीक है। अब जब सदिश आप पढ़ेंगे तो सदिश में 2-3 बातें आएंगी, जिन बातों को समझने के बाद आप सदिश और अदिश के इस दिशा का चक्कर समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं कार्य, कार्य के अंदर दिशा की जरूरत नहीं होती। ये जितनी भी राशियां लिख रखी हैं इनके अंदर दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे सदिश राशि की तरफ। देखिए बच्चे, अगला हेडिंग है अदिश राशियां। अदिश राशियां जिसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए
परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तथा पॉइंट इस जगह पर ध्यान रखना है, तथा ये सदिश नियमों का पालन करती हैं। सदिश नियमों का पालन क्या होते हैं? सदिश नियम देखो, जोड़ना, ठीक है, घटाना, जोड़ना घटाना, गुणा करना और साथ में क्या करना, भाग करना। ये अगर हम इनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं, तो इन नियमों का भी पालन करना इनको जरूरी होता है। तो अगर वे भौतिक राशियां जो जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तथा ये सदिश नियमों का पालन करती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। समझ में आ रही बात कि सदिश राशियां क्या होती हैं? जिनके अंदर हम इन नियमों का पालन भी करते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब सदिश राशियां क्या क्या होती हैं? जैसे होती है स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, धारा घनत्व। ये सब क्या हमारी एक सदिश राशियां हैं। सदिश राशियां आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसमें साफ लिखा सदिश, जिसमें दिशा भी हो, परिमाण तो हो, ऐसी राशियां होती ही नहीं है जिनके अंदर परिमाण ना हो, ठीक है। परिमाण हर किसी में होता है। अब दो राशियां होती है, एक होती है सदिश, एक होती है अदिश। केवल परिमाण है तो अदिश है, और परिमाण के साथ साथ दिशा भी दे रखी है तो वो सदिश है। अब इस शब्द का अर्थ समझ लेंगे कि वे सदिशों के नियमों का पालन भी करती हो, इस चीज पर ध्यान रखना। देखिए बच्चे, क्या होता है कि हमारा एक होता है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा होती है हमारी आई, क्या होती है आई, ठीक है। ये आई जो होती है, जब हम कोई चित्र बनाते हैं, अगर हम इसको यूज करते हैं आई को, तो वो एम्पियर से डिनोट करते हैं, और उसमें क्या लगा होता है, इस टाइप से कुछ चित्र वगैरह बने होते हैं, और यहां से दिखाई दे रहा होता है कि आई एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। यहां से हमें यहाँ दिशा तो दिखाई दे रही है, तो दिशा दिखाई देने की वजह से ये क्या है, ये एक सदिश राशि है। परंतु ये जो होती है, इन जोड़ घटाने गुणा और भाग के नियमों का पालन नहीं करती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, एक अदिश राशि बोलते हैं। तो अब मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि वैद्युत धारा जो होती है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि हम हर डायग्राम के अंदर देखते हैं कि उसकी दिशा दे रखी है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर दिशा दे रखी है तो वो केवल दिशा देने से ही वो सदिश राशि हो गई है, ठीक है। उसके लिए आवश्यक क्या है कि वो सदिश नियमों का पालन भी करना उसे आवश्यक है। देखिए बच्चे, यहाँ एक नोट पॉइंट लिखना है आपको। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो कि सदिश का भी गुण रखती हैं और अदिश का भी गुण रखती हैं, ठीक है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो सदिश का भी गुण रखती हैं और अदिश का भी गुण रखती हैं, तो ऐसी राशियों को बोलते हैं प्रदिश राशियां। क्या बोलते हैं? प्रदिश राशियां, यानी कि टेंसर क्वांटिटीज, ठीक। इनमें क्या होता है, देखो, वे भौतिक राशियां जो ना तो सदिश, ना तो अदिश और ना ही सदिश की श्रेणी में आती हैं, मतलब वो दोनों का गुण रख रही हैं, तो ना तो उन्हें सदिश बोल सकते हैं और ना ही उन्हें अदिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो श्रेणी में आती हैं, परंतु दिशा बदलने पर, परंतु दिशा बदलने पर इनका परिमाण बदल जाता है, प्रदिश राशियां कहलाती हैं। कि अगर जैसे हमने उनकी डायरेक्शन चेंज की, तो उनका क्या होता है, परिमाण टोटल चेंज हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम प्रदिश राशियां बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या होती है, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण एक ऐसी चीज है जिसकी अगर हमने डायरेक्शन चेंज की तो उसका परिमाण भी चेंज हो जाता है। प्रत्यास्था गुणांक, वैद्युतशीलता, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स है। ठीक है बच्चे, अब सदिशों के बारे में समझ चुके हैं। तो सदिश कई प्रकार के होते हैं, सदिशों के प्रकार के बारे में पढ़ना है अब हमें। देखिए सदिशों के प्रकार, इसमें पहले नंबर पे आता है समान सदिश। क्या आता है? समान सदिश, जिसे बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। देखो, वे सदिश जिनके परिमाण बराबर होते हैं तथा जिनकी दिशाएं भी एक ही होती हैं, समान सदिश कहलाते हैं। समझेंगे ध्यान से कि वे सदिश जिनके परिमाण बराबर होते हैं, सपोज ये एक मीटर है पहला, यानी कि ए है, ए बराबर एक मीटर है, तो बी बराबर भी एक मीटर ही होना चाहिए, परिमाण बराबर हो, तथा जिनकी दिशाएं भी एक ही होती हैं, दिशाएं भी एक होती हैं, जिस एंगल पर यह है उतने ही एंगल पर यह, दोनों दिशाएं एक जैसी हैं,
और एक जैसा ही परिमाण है तो वो क्या कहलाए जाएंगे, समान सदिश कहलाते हैं। अतः इससे एग्जाम्पल हमने ये उतार लेंगे, क्या है एग्जाम्पल, ए वेक्टर और बी वेक्टर इनकी दिशाएं दोनों समान है तो ये दोनों क्या होंगे, हमारे समान सदिश होंगे। तो बच्चे नेक्स्ट है हमारा विपरीत सदिश। विपरीत सदिश जिसे बोलते हैं अपोजिट वेक्टर्स, क्या होता है इसके अंदर, वे सदिश जिनका परिमाण बराबर तथा दिशा विपरीत हो विपरीत सदिश कहलाते हैं। समझ लें कि ऐसे सदिश जिनका क्या होता है, परिमाण बराबर होता है। सपोज ये एक मीटर है ए और ये भी एक मीटर है बी, दोनों क्या है आपस में परिमाण में तो बराबर है, परंतु इनकी क्या डायरेक्शन चेंज है, इनकी जो दिशा है वो अलग अलग है। पहली दिशा ऊपर की तरफ दे रखी है, दूसरी दिशा नीचे की तरफ दे रखी है। तो ऐसे सदिश जिनके अंदर दिशा की अपोजिट होती है, दिशा अपोजिट होती है, एक दूसरे से चेंज होती है, उसको हम बोलते हैं विपरीत सदिश। नेक्स्ट है तीसरा नंबर एकांक सदिश, जिसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। वे सदिश जिनका परिमाण एकांक हो एकांक सदिश कहलाता है। एकांक शब्द का मतलब क्या होता है, एकांक शब्द का मतलब होता है केवल उसका परिमाण एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक यानी कि वन। यह मात्रक मात्रकहीन तथा बीमाहीन होता है, यानी कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता ना इसकी कोई भी बीमा होती है। यह तथा केवल दिशा को प्रकट करता है, केवल इसके अंदर क्या होती है, दिशा होती है, दिशा के अलावा कुछ भी नहीं होता है। इसे सदिश के ऊपर कैप या कैरेट चिन्ह लगाकर प्रकट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा आई कैप, जे कैप और के कैप, इस तरीके से जो लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं एकांक सदिश। ठीक है, तो बच्चे चौथा पॉइंट है हमारा शून्य सदिश, जिसे बोलते हैं निल वेक्टर। देखो वे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु व टर्मिनल बिंदु संपाती हो, अर्थात जिनका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। इसे जीरो वेक्टर या ओ वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं तथा यह सदिश समीकरणों को संतुलित करने के काम आता है। कैसे आता है समीकरणों को संतुलित करने के काम, इसे देख लेते हैं कि यदि हमें a बराबर b दे रखा है, यानी कि वेक्टर a बराबर वेक्टर b दे रखा है, तब इस वेक्टर b को अगर बराबर के दूसरी साइड लेकर आएंगे तो इसका संतुलन बनाने के लिए हमारे पास कौन सा सदिश आ जाएगा, शून्य सदिश आ जाएगा। ठीक है, यानी कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर o, यानी कि o बोले इसे या फिर जीरो बोलेंगे, जीरो वेक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, शून्य सदिश होता है, यानी कि वह वेक्टर जिसका प्रारंभिक और अंतिम टर्मिनल बिंदु संपाती हो, संपाती का मतलब एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत होने पर वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, शून्य कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जहां एक दूसरे को शून्य कर रहे हैं वहां पर क्या होता है, शून्य सदिश ही हमें दिया होता है। नेक्स्ट पांच नंबर आता है हमारा समरेक सदिश, जिसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। क्या होता है, वे सदिश जिनकी कार्य रेखा समांतर होती है समरेक सदिश कहलाते हैं, अर्थात किसी एक रेखा के समांतर खींचे गए सदिश समरेक होते हैं। मींस अगर एक रेखा दे रखी है, ये हमारी एक रेखा है ए और इसके हमने समांतर दूसरी रेखा बी खींच दी है, तो ये हमारे क्या कहलाए जाएंगे, समरेक सदिश कहलाए जाएंगे। यानी कि एक ही रेखा में समांतर खींचे गए सदिश जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे समरेक सदिश होंगे। वो हमारे नीचे भी हो सकते हैं, मीन्स हमारे क्षैतिज रूप में भी हो सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप में भी हो सकते हैं, किसी भी एंगल पर हो सकते हैं। उनके बीच की दूरी हमेशा सेम होनी चाहिए, समांतरता के नियम को पालन करना चाहिए उनको। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे समांतर या समरेख सदिश कहलाते हैं। और इनके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि इससे पता चलता है कि समरेख सदिश के बीच जीरो डिग्री अथवा 180 डिग्री का कोण होता है। इन दोनों के बीच क्या होगा, 180 डिग्री का कोण होगा या फिर कितना होगा, जीरो डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट छह नंबर है हमारा समतलीय सदिश, जिसको बोलते हैं कॉप्लेनर वेक्टर्स। वे सदिश जो एक ही तल में स्थित होते हैं समतलीय सदिश कहलाते हैं। कागज के तल में खींचे गए सभी सदिश समतलीय सदिश होते हैं। मीन सपोज हमें एक ये बोर्ड दे रखा है, इस बोर्ड पर अगर हम कोई सदिश खींचते हैं, सपोज ये लाइन दे दी, यहां से लाइन दे दी, ये लाइन दे दी, ठीक है, यहां से ये लाइन कर दी, ये लाइन खींच दी,
ये लाइन खींच दी, तो ये सारे के सारे एक ही तल में स्थित हैं। किसमें है? एक ही तल में है, इसका जो पृष्ठ है वो एक ही है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? समतलीय सदिश बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 7 नंबर है समप्रारंभिक सदिश, जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल वेक्टर्स, यानी कि वे सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं समप्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। देखिए बच्चे, अगर हमें कोई वेक्टर दे रखा है उसमें एक ही बिंदु O से अगर हमें देखो A वेक्टर जा रहा है, B वेक्टर जा रहा है और C वेक्टर जा रहा है, तो यहाँ एक ही बिंदु से जा रहा है, प्रारंभ हो रहे हैं सभी एक ही बिंदु से, यानी कि इनकी पूंछ जो होती है वो एक ही बिंदु पर स्थित होती है, तो ऐसे जो सदिश होते हैं उसको बोलते हैं समप्रारंभिक सदिश। उम्मीद करता हूं आपको सदिश समझ में आ गए होंगे। अब मुझे आप बताएंगे कि सदिश के हमने कितने प्रकार बताए हैं, कितने प्रकार बताएं सदिश के, और हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि त्वरण कैसी राशि है। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका इससे आगे बढ़ते हुए, हम कल फिर दोबारा से आपके सामने हाजिर होंगे।